महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद खुद समंदर की लहरें भी अब उबाल मार रही हैं। दरअसल कोश्यारी के बयान से सियासत के गलियारों में ऐसी हलचल पैदा कर दी है जो इतनी जल्दी थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अपने बयान में कोश्यारी ने सीधा सीधा एक समुदाय की तौहीन करने के साथ दूसरे को मुंबई का आर्थिक राजा बता दिया है। दरअसल कोश्यारी के बयान पर राज्य की सियासत एक बार फिर से जिस तरह से गरमाई है वो अपने आप में एक अलग ही मोड़ ले रही है। विपक्षी पार्टियों ने कोश्यारी पर निशाना साधते हुए अब उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी है और सीधा कहा जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को घर कब भेजा जाएगा, क्या उन पर भी इस तरह से धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर महाराष्ट्र की जो है सत्ता बदल गई है इसके साथ नियम और कायदे कानून भी बदल जाएंगे। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का सीधा सीधा घोर अपमान किया है। कोश्यारी के इस बयान के बाद अब उनके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की कमान जब से भगत सिंह कोश्यारी ने थामी है तभी से लगातार विवाद पैदा होते रहे हैं। पहले इस तरह के विवाद मुंबई में महाराष्ट्र में कभी भी देखने को नहीं मिले थे। अंधेरी में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल कोश्यारी ने कहा है कि महाराष्ट्र से खास तौर पर मुंबई और ठाणे से अगर गुजराती और राजस्थानी समाज के लोग निकल जाते हैं तो फिर यहां कुछ पैसा नहीं बचेगा और ये लोग अगर चले गए तो देश की आर्थिक राजधानी भी मुंबई नहीं रह जाएगी। अब जैसे ही कोश्यारी ने यह बयान दिया वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और सियासत ऐसी गरमाई है जिसके बाद अब राज्यपाल को उनके पद से मुक्त करने की मांग हो गई है, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष यानी राज ठाकरे ने भगत सिंह कोश्यारी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो बात ना करें, अपना मुंह बंद रखें। राज्यपाल एक सम्मानजनक और सम्मानीय पद है इसलिए लोग उनके खिलाफ बोलने से हिचकते हैं, लेकिन आपने जो बयान दिया है उससे महाराष्ट्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ठाकरे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में मराठी लोग यहां मन लगाकर खेती करते हैं और दूसरे राज्यों के लोग कारोबार भी करते हैं और लगातार आ भी रहे हैं। ठाकरे आगे कहते हैं कि किसी चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान बोलकर माहौल खराब ना करें। आप हमें इतने भोले भाले आदमी भी ना समझें, हम अभी आपको बस इतना ही बताना चाह रहे हैं। राज ठाकरे ने सीधा सीधा अपने बयान में चेतावनी देते हुए कह दिया है कि हमें इतना भी भोला भाला समझने की गलती आप मत करिए, हम अभी शांत बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलना नहीं जानते हैं, हम कुछ कहना नहीं जानते हैं। इस तरह के सम्मानीय और सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी कोश्यारी इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह से किसी एक समुदाय को और सीधा सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान महाराष्ट्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। राज ठाकरे के बयान के बाद शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने भी कोश्यारी के उस बयान का वीडियो भी शेयर किया जिसमें राज्यपाल ने अपनी बात रखी है और उन्हें ऐसा आड़े हाथों लिया है जिसके बाद राज्यपाल की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं, क्योंकि वो दौर आपको याद होगा जब जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए फटाफट यही राज्यपाल थे जिन्होंने आदेश पर आदेश जारी कर दिए, तुरंत ही फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया, उसके बाद ना जाने कैसे आधिकारिक आदेश दिए जिसके बाद महाराष्ट्र की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए। अब उसी का जो भड़ास है वो शायद संजय राउत की निकल रही है और उन्होंने पूरा वीडियो शेयर करते हुए उन पर जमकर निशाना साधा है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री होते हुए मराठी मानुष और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट अगर इस पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम ये लोग बिल्कुल भी ना लें। कम से कम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इसका विरोध करना चाहिए, ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। इसके साथ ही एनसीपी और कांग्रेस ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान का विरोध किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीधा सीधा एक वीडियो बनाकर बयान जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी से उनके पद को छोड़ने की मांग की है और कहा है कि आप इस पद पर बैठने के लायक ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि मराठी लोगों का अपमान करने वाला बयान है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसी
का भी कहना है कि राज्यपाल हमेशा से ही महाराष्ट्र की जनता का अपमान करते आए हैं। तपासे का कहना है कि एनसीपी के मुंबई कार्य अध्यक्ष और कार्यकर्ता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ हुतात्मा चौक के पास प्रदर्शन करने वाले हैं, और प्रदर्शन थोड़ा बहुत नहीं होगा, इतना ज्यादा होगा जिसके बाद महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस करवट बैठती है वो देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि भगत सिंह कोश्यारी इससे पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। साल 2020 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कोरोना के वक्त मंदिर खोलने के लिए एक पत्र भी लिख दिया था, जिसमें लिखी गई भाषा पर शिवसेना और खुद उद्धव ठाकरे ने ऐतराज जताया था। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी उस वक्त भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी। ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया यह बयान अब उनके लिए एक और बड़ी मुसीबत बन चुका है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी कहा है कि उनका यानी कोश्यारी का बयान काफी ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन एक राज्यपाल के तौर पर वो जो कहते हैं और करते हैं उसमें जरा सा भी जो चतुरता है वो नजर नहीं आती है, बिल्कुल भी सम्मान नजर नहीं आता है। वो किसी एक धर्म विशेष को सीधा सीधा टारगेट कर देते हैं और किन्हीं दूसरे की प्रशंसा कर देते हैं। वो कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम यानी पीएम मोदी अमित शाह की आज्ञा का ईमानदारी से पालन करते हैं। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने भी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह भयानक है कि एक राज्य का राज्यपाल उसी राज्य के लोगों को बदनाम करता है जहां के वो सर्वोच्च पद पर आसीन है। उनके शासनकाल में राज्यपाल की संस्था का स्तर और महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा न केवल खराब हुई है बल्कि महाराष्ट्र का भी लगातार अपमान हुआ है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि यह महाराष्ट्र और मराठी मानुष के लोगों की कड़ी मेहनत का अपमान है जिन्होंने राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। राज्यपाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, ऐसा नहीं करने पर हम उन्हें बदलने की मांग करेंगे। इन राजनीतिक हस्तियों के अलावा महाराष्ट्र के लोग भी सोशल मीडिया पर राज्यपाल के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें लोगों ने राष्ट्रपति से महाराष्ट्र के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। कुछ लोगों ने लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हमेशा महाराष्ट्र के लोगों से नफरत करते रहे हैं इसलिए राज्यपाल ने ऐसा बयान दिया है। कुछ लोगों ने राज्यपाल को बदलने की मांग की है तो कुछ लोगों ने हैरानी जताई है कि बीजेपी ने राज्यपाल के बयान की आखिरकार निंदा अब तक क्यों नहीं की है। वहीं इतना ज्यादा बवाल होने के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि सारे विवाद पर लीपापोती करते हुए कि मुझे गर्व है कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी जनता की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। इस वजह से मैंने बहुत ही कम वक्त में मराठी भाषा सीखने की कोशिश की। कल राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में मैंने जो बयान दिया था उसमें मेरा मराठी आदमी को कम करके आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों द्वारा पेशे में किए गए योगदान पर बात की थी। मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र का निर्माण किया है, इसीलिए आज कई मराठी उद्यमी प्रसिद्ध हैं। वो न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत में और पूरी दुनिया में मराठी का झंडा बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं। इसलिए मराठी लोगों के योगदान को कम करके आंकने का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन हमेशा की तरह मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि कोश्यारी के बयान के वीडियो के बावजूद भी जिसे वो लोग खुद सुन रहे हैं वो तोड़े मरोड़े का आरोप लगा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर ऐसे ही वायरल हो रहा है जिसको लोग ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। यानी ये अच्छा तरीका है, पहले किसी भी समुदाय को लेकर कुछ भी बोल दो और उसके बाद फिर लीपापोती कर उस बयान को अपने शब्दों में स्पष्ट कर दो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब महाराष्ट्र की सियासत किस करवट लेगी, यानी कौन सी करवट बैठने वाली है और अब इस मामले में और क्या नया अपडेट आने वाला है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय हिंद।